उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, अधिकारियों की एक छोटी सी लापरवाही ने एक लाचार और बेबस विधवा महिला को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया, जिस वजह से इस बेसहारा पेंशनधारी बुजुर्ग महिला को सरकारी कागजों में मृत घोषित किए जाने के बाद उसकी रोजी रोटी का सहारा बनी विधवा पेंशन योजना को ही बंद कर दिया गया। ये पीड़ित महिला जब सामने आई जब सरकारी सिस्टम की पोल खुल गई। आनन फानन में जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच कराकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए। दरअसल यह कहानी जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बिद्दीवाड़ा निवासी बुंदी नाम की एक बुजुर्ग महिला की है। इस विधवा बेऔलाद बेघर और बेपरिवार महिला बुंदी की खतौली के बिद्दीवाड़ा मोहल्ले में पड़ोसियों की मदद से वृद्धावस्था पेंशन के सहारे जिंदगी गुजर रही थी, जो सरकारी नुमाइंदों ने पेंशन के वार्षिक भौतिक सत्यापन में मृत दर्शाकर पेंशन रोक दी। फाइलों में दफनाई गई बुंदी खुद दफ्तर दफ्तर के चक्कर काटकर जिंदा होने का सबूत देती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम तक जब मामला पहुंचा जांच में बुंदी जिंदा निकली। समाज सेवी जमील अंसारी और कप्तान सिंह के साथ बृहस्पतिवार को बुंदी एसडीएम खतौली जीत सिंह राय के सामने हाजिर हुई और खुद को जिंदा बताते हुए पीड़ा सुनाई। एक बारगी उपजिलाधिकारी भी हैरान रह गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए लेखपाल अजेंद्र सिंह राठी को बुलवाया और मामले की जांच के आदेश दिए। लेखपाल ने महिला के नाम से जारी आधार कार्ड देखा। भौतिक सत्यापन में वह कागजात भी देखे जिसमें उसे मृत दर्शाया गया था। करीब एक घंटे की जांच के बाद माना गया कि तहसील पहुंची बुजुर्ग महिला बुंदी जिंदा है। लेखपाल ने रिपोर्ट एसडीएम को भेजी और फाइलों में बुजुर्ग महिला फिर जिंदा हो गई। आपका नाम? बुंदी। बुंदी कहाँ से आए हो? डीएम ऑफिस आए हो आप? कहाँ के रहने वाले? खतौली। अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है, मेरा कोई था नहीं, ना मेरा आदमी है, ना मेरे बच्चे हैं, तना हूँ। मैंने पिल्सन बंद हुआ दी थी किसी ने मेरी, तो वो पिल्सन मेरी बंद हो गई। जब वो बंद हो गई मैं जाती रही, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मैं किसी को साथ लेके गई, उन्होंने बताया अखनू का क्या कदा है, इनकी पिल्सन मरी हुई लिखवा रखी, बंद हो गई। कहाँ गए थे पूछने आप? बैंक में। तो वहाँ आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ। कौन सा बैंक था माता जी? पंजाब बैंक है खतौली में। कितने दिन से पेंशन नहीं मिली आपको? बताया मैंने कहा, जब लॉकडाउन लगा तो जब एक दफा मिली थी, फिर नहीं मिली। फिर नहीं मिली। तो लॉकडाउन कैसे गुजरा आपका बिना पैसे? बस कोई भैया तुम सिवाल कोई दे दे खुदा तरसी को। अधिकारी भी तुम्हें धमका रहे? रोटी भी मैं कहीं खा लूँ। किसी अधिकारी ने भी धमका दूंगा? हाँ, बैंक में नुकान को यहाँ कोई पिल्सन नहीं आ रही तुम्हारी, बस मैं चली आऊँ थी चुपकी। क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ ही मेरी पिल्सन बंद करवाई, उन्हें मिलना चाहिए कुछ, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अब मेरी पेंशन मिलनी आ जानी चाहिए, और भैया जो मेरी बंद हो रही वो भी मुझे भरपाई पूरी होनी चाहिए। क्या कह के बंद करवाई आपकी पेंशन? क्या दिखा उसमें? तो यही सब बंद करवाई उन्होंने, क्या कहते, मर गई। मर गई? हाँ, नू बंद हुई। तुम तो जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ, जब तो ये हो रहा। अब अधिकारी क्या कह रहे, मिले आप अधिकारियों से? मिले अधिकारियों को? मैं तो सामने खड़ी होकर आ गई। हाँ। उन्हें पता जो मेरे साथ है। हाँ। पेंशन मिलेगी? देखो भैया, अल्लाह का हुक्म। जिंदा तो हो? हाँ जिंदा हूँ। कितनी उम्र है भैया आपकी? हो रही होगी 80 साल की। अच्छा, ये पेंशन वृद्धावस्था की ये विधवा पेंशन थी? कौन सी पेंशन मिली? विधवाओं की। विधवा पेंशन मिल रही थी? हाँ। वृद्धावस्था वाली नहीं मिलती? नहीं। कप्तान सिंह, बताइए किस बारे में, क्या मामला? मामला ये है कि ये आपको इन्होंने सब कुछ बता दिया है। ये बूंदी इनका नाम है और बिद्दीवाड़ा बालकराम मोहल्ला खतौली की रहने वाली हैं। ना ही तो इनके घर है और ये बेसहारा हैं और गरीब भी हैं और इनके निसंतान हैं और ना ही इनके शोहर है। यानी कि ये जो है उस पेंशन पर ही अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी
और वो इनकी मृत घोषित करके रोक दी गई। वो पता एक दिन जैसे इन्हें बताया, काफ़ी दिन परेशान होते हुए तहसील के चक्कर काटती रही, बैंक के चक्कर काटती रही, एक दिन बैंक में ही किसी ने बता दिया इन्हें, बैंक के ने किसी कर्मचारी ने या मैनेजर ने, कि तुम्हें तो मृत घोषित कर रखा है। उसके बाद से एक दिन हम तहसील में गए हुए थे, इन्होंने हमारे सामने वो बात बताई, तो उसके बाद से हमने इस तरफ ध्यान दिया। हम ये चाहते हैं कि एक तो इनकी पेंशन बहाल कर दी जावे और जो इनका जो यानी कि पिछला और नुकसान है उसकी भरपाई होवे, और जिन कर्मचारी अधिकारियों ने उनके प्रमाणित इसमें कॉपी लगी हुई है एप्लीकेशन में, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जावे। उसमें लेखपाल है संजय, लेखपाल संजय है, और कानून को बबलू कुमार है, और तहसीलदार उसमें आप पता कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, उसमें नाम नहीं शो हो रहा, तहसीलदार है, कानून को है, लेखपाल है, और ये तीन हैं, इन्होंने प्रमाणित कॉपी लगा के कर रखा है। और उसकी पेंशन रोक दी गई जब वो जिंदा है? नहीं, इसके संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में अगर ऐसी समस्या है तो उसको निराकरण करा लेंगे, खत्म करा लेंगे। मामले सामने रहे, अभी एक हफ्ता पहले एक कोई पीड़ित लोग आए थे, वो वोटर लिस्ट का क्या प्रकरण बता रहे हैं? वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है 30 तारीख तक, अभी आज के दिन तक भी है, तो उनका अप्लाई करके वो हो जाएगा। अगर कोई इश्यू ऐसा हुआ है कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो जिन्होंने किया। ठीक।